आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सैफर केस चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई को अदालत के सामने लाया गया, हाजिरी लगाई गई। जराए के मुताबिक हाजिरी लगाने के बाद जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में तौसी कर दी गई है। साइफर केस के हवाले से आपको अपडेट करना है, रिमांड में 13 सितंबर तक की तौसी की गई है। चेयरमैन पीटीआई को अदालत के सामने लाया गया, हाजिरी लगाई गई। जराए के मुताबिक हाजिरी लगाने के बाद जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी की गई है। तफसीलात जान लेते हैं बोलियस नुमाइंदे एहतिशाम अली अब्बासी से। एहतिशाम, क्या तफसीलात? अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी है। चेयरमैन पीटीआई को अदालत के सामने लाया गया, हाजिरी लगाई गई। जराए का ये कहना है कि अदालत में हाजिरी लगाने के बाद जुडिशियल रिमांड में 14 रोजा तौसी की है। आपको उसके साथ साथ मैं ये बताते चलूँ की चेयरमैन पीटीआई को अदालत के सामने लाया गया और फिर उनकी हाजिरी लगाई गई। इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई की जो लीगल टीम है उन्होंने जमानत के हवाले से भी दरख्वास्त दायर की है और हवाले से चेयरमैन पीटीआई के वकील से हमारी बात की और ये कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को जो अदालत के सामने लाया गया तो उसी दौरान जो है हमने जो है जमानत की जो दरख्वास्त दायर की है और बराए का ये भी कहना है कि चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में कोशिश कर दी गई है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 13 सितंबर तक की तौसी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया एहतिशाम, आपने इस हवाले से आगाह किया। चेयरमैन पीटीआई के रिमांड में मजीद इजाफा कर दिया गया है, 14 रोज तक इजाफा किया गया है और साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई जो कि जुडिशियल रिमांड में है अब वो 13 सितंबर तक उस रिमांड में तौसी कर